हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हौसलों की उड़ान रखने वाला एक 19 साल के युवा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। वैसे बता दें, इस वीडियो को फिल्म निर्देशक विनोद कापड़ी ने चलती कार से बनाया है। आपको बता दें कि नोएडा की सड़क पर देर रात 12 बजे तेज रफ्तार में दौड़ता एक 19 साल का लड़का, जिसके एक एक कदम के पीछे माँ के इलाज से लेकर सेना में भर्ती होने की मकसद है। लड़के का चेहरा पसीने से लथपथ था, लेकिन चेहरे पर रौनक बरकरार थी। सड़क से गुजर रहे फिल्म मेकर विनोद कापड़ी की जब उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसे गाड़ी से घर छोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद वह इसके लिए राजी नहीं हुआ। वैसे बता दें, 19 साल का प्रदीप मेहरा मैकडॉनल्ड कंपनी में अपनी नौकरी पूरी कर रोजाना दौड़ की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसका सपना सेना में भर्ती होने का है। इतना ही नहीं, प्रदीप कहते हैं कि मैं इसलिए सुबह नहीं दौड़ पाता क्योंकि उसे सुबह जल्दी जाना होता है, खाना बनाना होता है। प्रदीप बताते हैं कि उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है जहाँ उनका इलाज चल रहा है, और प्रदीप नोएडा में अपने भाई के साथ रहते हैं। विनोद कापड़ी जब प्रदीप से कहते हैं कि यह वीडियो वायरल होगी तो प्रदीप कहते हैं कि मुझे कौन पहचानेगा, लेकिन जब फिर से विनोद पूछते हैं कि अगर वायरल हो गई तो, इसके जवाब में प्रदीप कहते हैं कि तो क्या हुआ, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। प्रदीप कहते हैं कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ और इसके बाद घर जाकर खाना बनाऊँगा। यही नहीं, विनोद जब कहते हैं कि मेरे घर चलो साथ में खाएंगे तो प्रदीप कहते हैं कि मेरा भाई भूखा रह जाएगा। प्रदीप कहते हैं कि उनका बड़ा भाई रात में ड्यूटी पर जाता है, वह रात की शिफ्ट में काम करता है। ये मेरा रोज का रूटीन है, मैं रोज रात में दौड़ते हुए जाता हूँ, अगर मैं कार से गया तो मेरी रूटीन बिगड़ जाएगी। बता दें, आपको प्रदीप के साथ बातचीत का यह वीडियो विनोद कापड़ी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो को विनोद कापड़ी ने 20 मार्च को शाम में शेयर किया था, जिसे अब तक तकरीबन 3 मिलियन लोग देख चुके हैं। 45,000 से अधिक लोग रीट्वीट कर चुके हैं, जबकि लाखों लोग लाइक कर चुके हैं। वीडियो को शेयर करते हुए विनोद कापड़ी ने लिखा, दिस इज प्योर गोल्ड। नोएडा की सड़क पर कल रात 12 बजे मुझे ये लड़का कंधे पर बैग टांगे बहुत तेजी से दौड़ता नजर आया। मैंने सोचा किसी परेशानी में होगा, लिफ्ट देनी चाहिए। बार बार लिफ्ट का ऑफर किया पर इसने मना कर दिया। वजह सुनेंगे तो आपको इस बच्चे से प्यार हो जाएगा। वैसे वीडियो वायरल होने के बाद विनोद कापड़ी प्रदीप से मिलने के लिए मैकडॉनल्ड पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर उनसे बात की और बताया कि आपका वीडियो वायरल हुआ। तो प्रदीप कहते हैं, तो क्या हुआ, दौड़ ही तो रहा हूँ। प्रदीप कहते हैं कि मेहनत के आगे दुनिया झुकती है। वह कहते हैं कि हर रोज मुझे लोग लिफ्ट देने की बात कहते हैं, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।